हेलो एवरीवन, दिस साइड रितु सिंह। मैं हूँ ओरिफ्लेम टेक्निकल गाइड और लेके आई हूँ आपके लिए एक और ओरिफ्लेम की तरफ से बहुत ही यूज़फुल वीडियो कि ओरिफ्लेम में या फिर किसी भी चीज़ में जब जूम मीटिंग की जाती है तो वो किस तरीके से की जाती है। जूम मीटिंग करने के लिए आपको हमेशा साइन इन करना ही पड़ेगा, साइन इन होना ज़रूरी है, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीटिंग सिर्फ आप अपने लिंक के थ्रू या फिर आपका जो भी कोड आया हुआ होता है, मीटिंग लिंक आया हुआ होता है, उसी के थ्रू मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। विदाउट साइन इन भी आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन आपने मीटिंग होस्ट करनी है उसके लिए करना पड़ेगा आपको साइन इन। तो मैंने यहाँ पे जूम ऐप का फर्स्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ज्वाइन अ मीटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, साइन अप और साइन इन। तो आपने करना क्या है, आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद शायद अभी आपको स्क्रीन ब्लैक नज़र आए, यहाँ पे नीचे के साइड तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। ऊपर नज़र आएगा आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंड देन साइन इन। वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हम नीचे आएंगे, वहाँ पे साइन इन विद SSO, साइन इन विद गूगल एंड साइन इन विद फेसबुक, ये ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसमें से मुझे चूज़ करना है गूगल, क्योंकि मैं गूगल से करना चाहती हूँ, मैं गूगल सेलेक्ट करूँगी। आप अगर फेसबुक से करना चाहते हो आप फेसबुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल को ओपन कर देती हूँ, ये मेरा एक विंडो ओपन हो जाता है, मेरा अकाउंट ब्राउज हो जाता है, जहाँ जितने भी मेरे फेसबुक के जितने भी मेरे गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, वो यहाँ शो करते हैं। तो मैंने एक अकाउंट जो भी जिससे मुझे ईमेल अपनी मीटिंग चलानी है वो मैंने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉन्च मीटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होंगी वो शो करने लग जाती हैं। तो आप सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद लॉन्च मीट जूम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉन्च जूम पे क्लिक करते हो आप सीधे और ये ऐप ओपन हो जाती है और आपका जो है जूम ऐप सेट हो जाता है मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब आप साइन इन कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो नज़र आने लग जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आप सबसे नीचे देखें, चार ऑप्शन है, मीटिंग एंड चैट, मीटिंग, कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे सेटिंग। तो मैं सेटिंग पे जाऊँगी, सेटिंग पे जाने के बाद बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग में जाऊँगी। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करके सीधी गैलरी ओपन हो जाएगी, आप कोई भी फ़ोटो ओपन कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम में आप अपना वो नाम डालिए जो मीटिंग में आपका शो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मीटिंग किसके थ्रू हो रही है, तो वो आप नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बैक आते हैं, मीट एंड चैट पे आते हैं। मीट एंड चैट पे आने के बाद ऊपर के साइड आप देखिए, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, न्यू मीट, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। तो पहला ऑप्शन है ना न्यू मीटिंग, तो न्यू मीटिंग ये इंस्टेंट मीटिंग लिंक होता है और ये 40 मिनट का होता है। तो ये मीटिंग का लिंक आप जैसे किसी के साथ वन टू वन करना चाहते हैं, छोटी सी 40 मिनट की एक गेट टुगेदर मीटिंग करना चाहते हैं एक मेंबर के संग, तो आप इस शेड्यूल को बना सकते हैं। जस्ट आपने इस न्यू मीटिंग पर क्लिक करनी है और वीडियो ऑन ऑफ जो भी कर सकते हैं, स्टार्ट मीटिंग कर दीजिए। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ स्टार्ट मीटिंग कर दी है। अब आप देखेंगे कि कनेक्ट हो रहा है और ये मेरी मीटिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब ये थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है शेड्यूल का, शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब आप एक प्रॉपर एक अच्छी खासी मीटिंग अटेंड करना चाहते हो अपनी 10 20 15 100 लोगों के साथ, ये जो जूम मीटिंग होती है फ्री मैक्सिमम 100 लोगों के साथ चल जाती है और 40 मिनट का इसका टाइमिंग रहता है। ठीक है जी, 40 मिनट का टाइमिंग होता है, 100 लोगों के साथ ये मीटिंग हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रितु सिंह जूम मीटिंग, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इधर ऑप्शन सबसे ऊपर आ रहा है रितु सिंह जूम मीटिंग, मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मेरा जो भी मीटिंग का टॉपिक होगा तो वो मीटिंग का टॉपिक मैं यहाँ पे फिल कर दूँगी। जैसे मेरे मीटिंग का टॉपिक रहेगा
डिस्कशन, या फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया है गेटिंग स्टार्टेड, ये मेरे मीटिंग का टॉपिक हो गया। सेकंड आती है डेट, तो आपने किस डेट पे मीटिंग करनी है वो यहाँ पे आपने भरनी है। मेरी आज की मीटिंग है तो मेरे को कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है मेरा। अब आती है टाइम, फ्रॉम कितने बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी। तो मैं मीटिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ 4 बजे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जाऊँगी और जो 11 बजे का टाइम है वहाँ क्लिक कर दूँगी एंड इसको कर दूँगी 4, ठीक है। मिनट मेरा 00 है क्योंकि 4 बजे स्टार्ट करनी है मुझे, एंड जहाँ पे AM लिखा है वहाँ क्लिक करके मैं इसको PM कर दूँगी, ठीक है जी। उसके बाद मैं कर दूँगी सेट। तो आप देख सकते हैं 4 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 मतलब कितने बजे तक चलेगी, तो ये मीटिंग अगेन जैसे कि 4 बजे स्टार्ट हुई है तो 5:30 तक की मैं रख देती हूँ। PM कर देती हूँ सेट। जैसे ही मैं सेट करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आता है कि ये जो मीटिंग है 40 मिनट की ही रहेगी, तो मुझे यहाँ पे ओके करना है। जस्ट ओके हो गया, मेरा टाइम सेट हो गया। रिपीट को आप नेवर करके रखिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आता है रिक्वायर मीटिंग पासकोड इनेब, तो उसको ये तो ऑन ही रहेगा। उसके बाद आता है इनेबल वेटिंग रूम, तो जहाँ पे इनेबल वेटिंग रूम होता है इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे ऐड टू कैलेंडर, अगर आप ऐड टू कैलेंडर करते हैं तो कैलेंडर में ऐड होती चली जाती है, अदरवाइज कैलेंडर में ऐड नहीं होगी अगर इसको बंद कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे क्यों दिखा रही हूँ कैलेंडर में ऐड करने का, तो मैं आपको अपना कैलेंडर दिखाती हूँ। मैं जितनी भी मीटिंग करती हूँ तो वो कैलेंडर मेरा जो गूगल की कैलेंडर है उसमें देखिए ऐड हो जाती है। तो मैंने 3, 4, 5 को की है, वो मीटिंग ऐड हो गई है। लास्ट मंथ कितनी की थी वो सारी मीटिंग ऐड हो जाती है, तो मेरे को याद रहता है कैलेंडर कितनी ऐड कर दी थी। तो आप ऐड करना चाहते तो ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, डन डन जैसे आप करते हो शेड्यूल हो जाएगी मीटिंग। अब ये सीधे जो मीटिंग है आपके जीमेल पे ओपन हो जाती है, ठीक है। ये जीमेल ओपन हो गया, मीटिंग ऑन नहीं हुई है, ये लिंक मिल रहा है आपको जीमेल पे। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है रितु सिंह, रितु सिंह इज़ इनवाइटिंग यू शेड्यूल जूम मीटिंग, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। सब्जेक्ट पे क्लिक मत कर देना, ये ऊपर जूम मीटिंग इन्विटेशन गेटिंग स्टार्टेड है, सब्जेक्ट है। जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा इज़ इनवाइटिंग यू शेड्यूल जूम मीटिंग, वहाँ डबल क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, एंड जहाँ भी आपको मीटिंग को पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है इस मीटिंग को बनाना। अगर मीटिंग शेड्यूल के टाइम पे भी कोई गलती हो जाती है, बैक आ जाइए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, एडिट कर सकते हैं, अगेन इनवाइट भी कर सकते हैं। तो सिंपल शेड्यूल बनाना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी आपकी टीम को ग्रोथ करने में, आपकी हेल्प करने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको यूज़फुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।